जय श्री महाकाल। भक्ति, भक्ति शब्द कुछ इस तरीके से है कि भक्ति के बाद यदि अहंकार आ जाता है तो वो भक्ति आपकी किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा तो भक्ति ना करना ही है। यदि किसी चीज़ को करने के बाद आपके अंदर अहंकार पैदा हो जाए तो उस चीज़ का ना करना ही ज़्यादा अच्छा था। तो आज एक आपको कथा सुनाता हूँ, छोटी सी कथा है और वो कथा भक्ति के ऊपर है। और ये अनन्य भक्ति जो थी ये सूरदास जी की भक्ति थी। तो आज आपको इस भक्ति के विषय में कथा सुनाता हूँ और इस भक्ति की कथा से आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में समझने को मिलेगा। नारद जी एक बार पृथ्वी भ्रमण के लिए निकले, तो जब नारद जी निकले तो जैसे ही निकले तो गुजरे सूरदास जी के पास से। जैसे ही सूरदास जी के पास से गुजरे तो नारद जी की तो आदत ही है नारायण नारायण। जैसे ही नारद जी ने कहा, सूरदास जी बोले, कौन महाराज? नारद जी बोले, सूरदास जी मैं नारद। तो इसके बाद सूरदास जी बोले नारद जी से कि महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं नारायण के पास, बैकुंठ धाम। बोले अच्छा। तो बोले महाराज ये बताओ, नारद जी से सूरदास जी बोले महाराज ये बताओ कि मुझे कृष्ण के दर्शन कब होंगे, कब होंगे मुझे नारायण के दर्शन? बोले ठीक है, पूछ लूंगा मैं। बोले हाँ, सूरदास जी बोले हाँ महाराज, आप नारायण से पूछो कि कब वो दर्शन देंगे। तो वो बोले, नारद जी बोले ठीक है। इसके बाद नारद जी थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो बढ़ने के बाद देखा एक शराबी नाली में पड़ा हुआ था और वहाँ से गुजरे नारद जी। तो नारद जी ने फिर नारायण नारायण कहा, तो जैसे ही उसके कानों में आवाज़ पड़ी तो उसने देखा संत जी जैसे लग रहे हैं कोई, तो वो बैठ गया नाली में से, उठ के बोले महाराज प्रणाम। नारद जी बोले खुश रहो। प्रणाम स्वीकार किया नारद जी ने। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं वैकुंठ धाम नारायण के पास। तो इसके बाद वो शराबी बोला अच्छा महाराज, महाराज ये पूछ के आना नारायण से कि मुझे जो स्थान मिलेगा वो कौन से नरक का मिलेगा, मुझे कौन से नरक में जगह मिलेगी, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो सारे कर्म ही ऐसे हैं। नारद जी बोले ठीक है। अब नारद जी आगे बढ़े, देखा तो एक पंडित जी बैठे हुए थे एक मंदिर के अंदर और घंटी बजा रहे थे और हरे राम कर रहे थे। तो जैसे ही नारद जी को देखा, तो देखने के बाद नारद जी ने नारायण नारायण कहा। इसके बाद नारद जी की वार्ता हुई, तो पंडित जी बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं विष्णु भगवान के पास, नारायण के पास, वैकुंठ धाम जा रहे हैं। तो पंडित जी बोले महाराज ये पूछ के आना नारायण से कि हमें कौन सा स्वर्ग मिलेगा, हमें स्वर्ग में कहाँ स्थान है। नारद जी बोले ठीक है। इसके बाद नारद जी पहुंचे, वैकुंठ धाम पहुंचे, नारायण के पास पहुंचे। तो जब नारायण के पास जैसे ही पहुंचे, तो पहुंचने के बाद देखा नारद जी को और नारद जी ने नारायण को देखा और प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने ये संदेश दिए, बोले महाराज सूरदास जी पूछ रहे थे आपके बारे में कि कब दर्शन दोगे। तो बोले विष्णु भगवान बोले, नारायण बोले सूरदास जी को, आप बोलो कि जिस पेड़ के नीचे सूरदास जी बैठे हुए हैं जब वो सारे पत्ते गिर जाएंगे तब दर्शन देंगे। बोले ठीक है। और बोले महाराज एक और शराबी भी मिला था नाली में पड़ा हुआ, वो कह रहा था महाराज कौन से नरक में जगह है मेरे लिए। तो नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले उसके लिए नरक में जगह नहीं है, उसके लिए स्वर्ग में जगह है। नारद जी संकोच में पड़ गए। नारद जी बोले कि महाराज ऐसे कैसे संभव हो गया, वो व्यक्ति शराबी है, उसने कुछ अच्छे काम नहीं करे हैं और वो नाली में पड़ा हुआ है, आप कह रहे हो स्वर्ग मिलेगा, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। विष्णु भगवान मुस्कुराए, नारायण मुस्कुराए और मुस्कुरा के नारायण बोले कि नारद उसके अंदर अहंकार नहीं है, उसे पता है वो आत्मग्लानि से भरा हुआ है। अब बोले जब इंसान के अंदर मन निश्चल हो जाता है तो उसके अंदर जो निश्चलता है, जो उसको अपने कर्मों का बोध आ जाता है, तो उसके लिए मेरी स्थितियां बदल जाती हैं। नारद जी बोले वाह प्रभु वाह। इसके बाद नारद जी ने पंडित जी का संदेशा दिया।
बोले महाराज एक पंडित जी थे, मंदिर में बैठे हुए थे, जाप कर रहे थे, और उन्होंने पूछा है कि कौन सा स्वर्ग मिलेगा। तो नारायण बोले पंडित जी के लिए स्वर्ग नहीं है, पंडित जी को मिलेगा नर्क। नारद जी फिर आश्चर्य में, नारद जी फिर से आश्चर्य में, नारद जी बोले महाराज ये कौन सी बात हुई, वो आपको भज रहा है और आप कह रहे हो नर्क मिलेगा। नारायण बोले कि इसलिए मैंने बोला नरक मिलेगा क्योंकि उसे अभिमान आ गया है अपनी भक्ति के ऊपर, उसे अहंकार आ गया है अपनी भक्ति के ऊपर, और अहंकार का तो मैं भक्षण करता हूं। बोले अब आप जाओ और सबको सबके संदेश दे दो। तो प्रणाम किया और जैसे ही नारद जी गए, जैसे ही पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी ने अकड़ के बोला महाराज क्या बताया नारायण ने। तो नारद जी बोले ये बताया कि आपको नरक में जगह मिलेगी। और जैसे ही पंडित जी को नरक में जगह बोला, वैसे ही पंडित जी को आत्मज्ञान आ गया, बोध आ गया कि मुझे अहंकार हो गया था। पंडित जी ने सारी चीजें छोड़ी, पंडित जी को बोध हो गया कि उन्होंने कौन सी गलती की, और पंडित जी के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया, जो लंबे समय से ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था वो ज्ञान प्रकट हो गया, और पंडित जी पूरी तरीके से वैरागी हो गए, वो मंदिर छोड़ के जंगल चले गए। और निश्चय ही जब उनकी स्थिति बदली, जब उनका अहंकार नष्ट हो गया, तो निश्चय ही उन्हें स्वर्ग मिला होगा। इसके बाद नारद जी पहुंचे शराबी के पास, और जैसे ही शराबी के पास नारद जी पहुंचे, शराबी ने देखा, प्रणाम किया, बोले महाराज कौन से नरक में जगह है। नारद जी बोले तुम्हारे लिए बेटा नरक में जगह नहीं है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह है। और जैसे ही उसने ये शब्द सुने, जैसे ही शराबी उठ के खड़ा हो गया और दंडवत हो गया, महाराज प्रभु की इतनी कृपा, प्रभु की इतनी कृपा, और एकदम से वो शराबी बदल गया, उसका जीवन ही बदल गया, और शराबी सन्यासी हो गया। उसे बोध आ गया कि भगवान भाव के भूखे, भगवान अंदर की विचारों के भूखे, जो इंसान रखता है भगवान परमात्मा के प्रति। अब इसके बाद जैसे ही नारद जी पहुंचे सूरदास जी के पास, जैसे ही सूरदास जी के पास पहुंचे, सूरदास जी से बोला कि मैं आपका संदेश भगवान तक लेके गया, उन्होंने जवाब दिया है। सूरदास जी उत्साह में बोले कि अच्छा क्या बताया है। बोले ये बताया है नारायण ने कि जब ये सारे पत्ते गिर जाएंगे इस पेड़ के, तब दर्शन देंगे। तो जैसे ही ये सुनी, तैसे ही सूरदास जी नाचने लगे, मिलन कहे तो मिले हैं राम, मिलन कहे तो मिले हैं राम, मिलन कहे तो मिले हैं राम। और नाचते नाचने इतने प्रसन्न हो गए कि नाचते रहे, नारद जी भी चले गए नाचते रहे। और नाचते नाचते पेड़ के कुछ दूरी पे एक कुआं था, तो नाचते नाचते उसमें गिर गए। और जैसे ही उसमें गिरे कुएं में, अब सूरदास जी से दिखाई तो कुछ देता नहीं था, जैसे ही कुएं में गिरे तैसे ही पता चला कि किसी ने हाथ पकड़ लिया। और जब ये महसूस हुआ, हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया, और जैसे ही बाहर निकाला, बोले महाराज किसने बचाया मुझे, कौन हो। तैसे ही नारायण बोले मैं नारायण। सूरदास जी बड़े प्रसन्न, सूरदास जी बोले महाराज आपने तो बोला था जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे तब मिलेंगे। बोले तुम्हारा भाव मुझे खींच लाया, तुम इतने आनंदित हो गए कि मुझे आना ही पड़ा, तुम इतने आनंदित हो गए कि तुम्हें सुध ही नहीं रही, नाचते नाचते तुम कुएं में गिर गए। बोले महाराज तो अब दर्शन देने के लिए नेत्र खोल दो मेरे। सूरदास जी ने जैसे ही ये कहा, नारायण ने उनके नेत्र खोल दिए, और सूरदास जी के पास नेत्र थे, और जैसे ही देखा मोर मुकुट लगाए हुए, बांसुरी लिए हुए कृष्ण के रूप में उन्होंने दर्शन दिए नारायण ने, और देख के ही भाव विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए, हाथ पकड़ लिया, छू के देखा, आनंद में सराबोर हो गए सूरदास जी, और देखते रहे। कुछ वक्त गुजर गया देखते देखते, इसके बाद सूरदास जी बोले महाराज अब मुझे दोबारा से अंधा कर दो। तो भगवान बोले ये कैसी बात करते हो सूरदास, अंधा क्यों होना चाहते हो। बोले महाराज मैं इसलिए अंधा होना चाहता हूं क्योंकि आपको देखने के बाद अब मुझे ये जग नहीं देखना है, आपके ही छवि को मैं अपने नेत्रों में बसा के रखना चाहता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि अपने नेत्रों से अब किसी और को देखूं। और जैसे ही ये कहा, सूरदास जी पहले जैसे हो गए, नेत्र चले गए सूरदास जी के पास से, और इसके बाद पकड़ लिया नारायण को, पकड़े रहे अब छोड़े ना। नारायण बोले कि अब जाने दो, समय हो रहा है अब तो जाने दो। सूरदास जी बोले ना
अब जब सूरदास जी पकड़े हुए थे तो प्रेम देखिए, अब यहाँ पे भक्ति और प्रेम की बात आती है और बड़े गहरे प्रेम की बात आती है। अगर सूरदास का प्रेम समझ लिया आपने, भक्ति का प्रेम समझ लिया, तो समझ लीजिए साधना सिद्धि सब फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। भक्ति में वो शक्ति है कि परमात्मा खींचे चले आते हैं, क्योंकि भाव, भक्ति के अंदर भाव की प्रचुर मात्रा होती है। तो पकड़ लिया तो नारायण ने छुड़ाया, और छुड़ा के जैसे ही जाने लगे तो अब सूरदास जी को दिखाई तो कुछ देता नहीं था, जबरदस्ती करके श्री कृष्ण ने, नारायण ने उनका उनसे हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ा के भागने लगे। तो जैसे ही भागने लगे तैसे ही सूरदास जी एक कवित्त गाते हैं और गाते हैं, हाथ छुड़ा के जात हो, हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोहे, जो हृदय से जाई लो तो शबल जानी हो तो। तो इतना प्यारा उन्होंने कवित्त गाया कि प्रभु मुझे निर्बल जान के आप हाथ छोड़ा के तो जा सकते हो, लेकिन सबल में आपको जब मानूंगा जब आप मेरे हृदय से जाके दिखा लो। तो ये एक भक्ति है, और भक्ति और भगवान का ऐसा संबंध है कि वो इतना अटूट है कि टूट ही नहीं सकता है। प्रकृति के नियम बदल जाते हैं, सारे सिस्टम बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और परमात्मा को आना ही होता है, जो अवधि दी हुई होती है उससे भी पहले आना ही होता है। तो ये प्रेम है, जब ये प्रेम इंसान का जुड़ता है तो सबसे ऊपर पहुँच जाता है इंसान, और भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। भक्ति के अंदर प्रेम है, आनंद है और समर्पण है। तो ऐसी भक्ति थी सूरदास जी की। अब लोग कहते हैं कि परमात्मा से मुझे मिलना है, परमात्मा से मुझे मिलना है, असंभव कुछ भी नहीं है। सूरदास जी कोई द्वापर और त्रेता शतयुग में नहीं थे, सूरदास जी कलयुग में थे, तुलसीदास जी कलयुग में थे, कबीरदास जी कलयुग में थे, रस खान कलयुग में थे, सब कलयुग में ही तो थे, फिर भी इनको परमात्मा मिले, प्रमाण मिला, ज्ञान मिला, आनंद मिला। तो योगों की बात ना करें, योगों का कोई लेना देना नहीं है भक्ति भाव से। जब भक्ति प्रकट होती है परमात्मा खींचे चले आते हैं, और जहां पे इंसान निष्काम हो जाता है वही होती है भक्ति, क्योंकि भक्ति निष्काम होती है, भक्ति में कोई कामना नहीं होती है। और जब कामना ही नहीं है तो आनंद ही आनंद है, और जब ये आनंद इंसान के अंदर प्रकट होता है तो वो पूरी तरीके से जुड़ जाता है परमात्मा से और सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति सबसे ऊंची है, साधना से भी ऊंची है भक्ति, क्योंकि साधना जुड़ाव है, लेकिन भक्ति एक भाव के साथ आनंद है। साधना आपकी तपस्या पर निर्भर करती है, लेकिन भक्ति आपके भाव पर निर्भर करती है। तपस्या कठोर हो सकती है, करोड़ों योगों तक भी चल सकती है, सालों साल चल सकती है, लेकिन भक्ति कई बार ऐसी होती है कि एक बार बुलाया, बुलाने के बाद शक्ति प्रकट होती है, दर्शन देती है, लेकिन वो भक्ति होनी चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन भक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। जब आप भक्ति को समझ जाते हैं तब आप वो सारी अवस्थाएं समझ जाते हैं, चाहे सूरदास जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे मीरा हो, सभी को प्रमाण मिले हैं। तुलसीदास जी ने राम जी को देखा है, कृष्ण जी को देखा है सूरदास जी ने, मीरा की कहानियां आपने सुनी होंगी, जो सब कुछ है वो सारा कुछ है। यदि कोई ये बोले कि क्या आपने देखा है, तो देखा तो किसी ने अपने दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा को भी नहीं है, तो क्या वो नहीं थे? तो हर चीज़ देखने ना देखने से नहीं होती। हवा भी दिखाई नहीं देती है, प्रेम भी दिखाई नहीं देता है, भाव भी दिखाई नहीं देते हैं, विचार भी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन होते हैं। और जब आप ये होना समझ जाएंगे तब आप आनंद समझ जाएंगे, और जब आप वो आनंद समझ जाएंगे तो फिर तो कल्याण है, फिर कुछ शेष रहता ही नहीं है। जय श्री महाकाल। आदेश।